हेलो दोस्तों, लेट्स प्ले बारबी में आप सभी का स्वागत है। अभी यहाँ पर सुबह का वक्त है, सभी लोग सो रहे हैं, तो चलिए देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है। अरे मुझे बहुत ही जोर से दर्द हो रहा है। यहाँ पर सिद्धार्थ दर्द के मारे कहरा रहा होता है। अरे ये आवाज़ तो सिद्धार्थ जी की है। अरे सिद्धार्थ जी, अरे मैं क्या करूँ। अरे सिद्धार्थ जी, आपको क्या हुआ, आप ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं? अरे लगता है सिद्धार्थ जी सपना देख रहे होंगे। हाँ चलो मैं अपने काम निपटा लेती हूँ। अरे वाह, आज का मौसम तो बहुत ही अच्छा है, सबको सोने देती हूँ। अरे ये सब भी सो रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, तब तक मैं झाड़ू मार लेती हूँ। और यहाँ पर पिंकी झाड़ू मारने लगती है। ला 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 ला। अरे वाह, आज का मौसम तो बहुत ही अच्छा है, सुबह सुबह उठने का मजा ही कुछ और है, एकदम फ्रेश फील होता है। चलो मैं जल्दी से सबके लिए चाय भी बना दूंगी, जब तक सब लोग सो रहे हैं। ला 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 ला। और यहाँ पर मुन्ना की आँख खुलने लगती है। मम्मा मम्मा किधर है मम्मा? पापा पापा, मेरे प्यारे पापा, पापा के साथ खेलना, ये मजा आ रहा है। अरे मुन्ना ये क्या कर रहे हो, उतरो जल्दी से। पापा अच्छे। अरे उतरो, उतर जाओ जल्दी से। हे पापा पापा, नहीं उतरूंगा, मजा आ रहा है। अरे प्लीज मुन्ना बेटा उतर जाओ, बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है मुझे, प्लीज उतर जाओ जल्दी, उतरो। नहीं पापा, खेलना आपके साथ खेलना है। अरे सिद्धार्थ जी फिर से चिल्लाए। अरे जाकर मुझे देखना होगा, और मुन्ना की आवाज भी आई थी। अरे मुन्ना ये तुम क्या कर रहे हो? अरे मुन्ना क्या कर रहे हो, उतरो पापा के पीठ से। अरे मुन्ना तुम बिना कितनी शरारती करते हो। अरे सिद्धार्थ जी वैसे मुन्ना बस खेल तो रहा था, आप इतना जोर से क्यों चिल्लाए? अरे पिंकी मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मेरे पिछवाड़े में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या हुआ है, बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है रात से। क्या आपके बम में दर्द हो रहा है? अरे ये कैसे? अरे लगता है मुझे देखना पड़ेगा। अरे नहीं पिंकी जी, ऐसा बिल्कुल भी मत करना आप। पापा को दर्द है सॉरी पापा। अरे सिद्धार्थ जी शर्माइए मत, रुके मैं अभी देखती हूँ। अरे ये क्या है, अरे आपके बम में तो ढेर सारे इन्फेक्शन निकले हुए हैं। हाय दैया, अरे ये क्या है? अरे सिद्धार्थ जी आपके बम में तो ढेर सारे इन्फेक्शन निकले, वो भी बड़े बड़े। बाप, ढेर सारे इन्फेक्शन, पापा को इंजेक्शन लगेगा। अरे मुन्ना तुम चुप बैठो, देखो तो कैसे बोल रहा है, अब तुम वहाँ पर जाओ, इतना जोर से तुम मेरे ऊपर कूदे मेरा बम दर्द करने लगा। अरे पिंकी जी आप घबराइए मत, ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक हो जाएगा, चलो मैं अपना पैंट पहन लेता हूँ। अरे सिद्धार्थ जी रुक जाइए, कहाँ पर जा रहे हैं? अरे पिंकी जी आप चिंता मत कीजिए। अरे देखो तो सिद्धार्थ जी कैसे चले गए, मैं ऐसे थोड़ी ना जाने दूंगी उन्हें, मुझे डॉक्टर निजी को कॉल करना होगा, उन्होंने एक बार बताया था कि एक इन्फेक्शन फैला है, बहुत ही ज्यादा बुरा है, चलो मैं लगाती हूँ उन्हें कॉल। हेलो मैं पिंकी बात कर रही हूँ। हेलो हाँ पिंकी, मैं डॉक्टर अग्रवाल, बताओ क्या हुआ है? अरे डॉक्टर निजी बहुत ही ज्यादा सीरियस मामला हो गया है, सिद्धार्थ जी के हिप में ढेर सारे इन्फेक्शन निकले हुए हैं, वो भी बड़े बड़े लाल, इन्फेक्शन काफी हद तक फैल गया है, आप जल्दी से आ जाइए। अच्छा ऐसी बात है क्या, ठीक है तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं अभी आती हूँ तुम्हारे घर। आपका बहुत ही शुक्रिया डॉक्टर, आप जल्दी से यहाँ पर आ जाइए। अरे चलो अच्छा है मैंने कॉल कर दिया था, अब जाकर देखती हूँ सिद्धार्थ जी कहाँ पर गए हैं, जाकर भाभी को भी बता देती हूँ। और यहाँ पर सभी इकट्ठा बैठ जाते हैं। अरे तुम सब इतने शांत क्यों हो, बताओ पिंकी क्या कहना था तुम्हें? अरे भाभी सिद्धार्थ जी के हिप में ढेर सारे इन्फेक्शन निकले हुए, उन्हें बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। क्या सच में पिंकी? अरे सिद्धार्थ तुमने मुझे बताया नहीं, तुम्हें से नहीं छिपाना चाहिए। वैसे पिंकी तुमने डॉक्टर को बुलाया कि नहीं? अरे नहीं भाभी, मैंने डॉक्टर को नहीं बुलाया है, सिद्धार्थ जी ने मना किया है। अच्छा ये बात है, अरे सिद्धार्थ तुमने मना क्यों किया? अरे पिंकी लेकिन तुम्हें बुला लेना चाहिए था। अरे भाभी मैंने डॉक्टर को बुलाया है, आप बोलना मत वरना सिद्धार्थ जी को शक हो जाएगा। अरे पिंकी जी आपने कुछ बोला क्या? अरे नहीं सिद्धार्थ जी कुछ भी नहीं। अरे भाभी आप चिंता मत कीजिए, ये समय के साथ ठीक हो जाएगा।
अच्छा आप सब यहीं पर रुकिए, मैं आप सबके लिए चाय लेकर आती हूँ। अरे हाँ पिंकी जी, गर्मा गर्म चाय ले आइए। अरे मुन्ना चाचू को क्या हुआ है? ढेर सारा इन्फेक्शन निकला है, पापा को इंजेक्शन लगेगा। अरे इसको देखो, ये तो मुझे इंजेक्शन लगाने के ही पीछे पड़ा हुआ है, कैसा बेटा है। अरे डॉक्टर ने जी कहाँ पर रह गई? अगर सिद्धार्थ जी चले गए तो उनका चेकअप नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर ने जी पता नहीं कहाँ पर रह गई, मैंने तो बहुत ही पहले कॉल किया था। चलो चलो नर्स, जल्दी से चलते हैं। अरे अरे पिंकी तो यहीं पर है। अरे पिंकी हम आ गए हैं, बताओ कहाँ पर है सिद्धार्थ। अरे अच्छा वो डॉक्टर ने जी आप जल्दी आ गई, सिद्धार्थ जी जाने ही वाले थे। आप जल्दी से चलिए, उनके हिप में ढेर सारे इन्फेक्शन निकले हैं। अरे हाँ हाँ पिंकी, बताया तुमने, मुझे चेकअप तो कर लेने दो, तब पता चलेगा उन्हें इंजेक्शन लगाना है कि नहीं। अरे हाँ डॉक्टर ने जी, आप मेरे साथ चलिए, मैं दिखाती हूँ आपको। हाँ हाँ चलो पिंकी। अरे ये क्या, डॉक्टर ने जी आई हैं? अरे सिद्धार्थ लगता है पिंकी ने डॉक्टर को बुलाया था। आइए आइए डॉक्टर ने जी, सिद्धार्थ यहीं पर है, आ जाइए। अरे ये क्या, पिंकी जी ने तो बोला था कि डॉक्टर ने को नहीं बुलाया है। अरे ये पिंकी जी भी ना कितनी ज्यादा झूठी हैं, इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मम्मा अच्छे हैं, अब इंजेक्शन लगेगा पापा को, ये मजा आएगा ये। अरे सिद्धार्थ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे झूठ बोला, लेकिन ये करना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। अरे पिंकी जी मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा, आप कुछ भी कर लीजिए, आपने मुझसे झूठ बोलकर डॉक्टर ने जी को बुलाया है, मैं इंजेक्शन हरगिज नहीं लगाऊंगा। अरे सिद्धार्थ जी आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, आप तो एकदम बच्चों की तरह हरकत कर रहे हैं, आपको इंजेक्शन लगाना ही होगा। अरे पिंकी जी बात ये है कि मुझे इंजेक्शन लगाने से डर नहीं लग रहा, मुझे शर्म आ रही है। अरे क्या शर्म आ रही है आपको? अरे मुझसे शर्माने की कोई बात नहीं है, अगर सब लोग शर्माने लगे तो फिर इलाज में किसका करूँगी। अरे सिद्धार्थ तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, चलो आओ चेकअप के लिए। अरे हाँ सिद्धार्थ जी चलिए चलते हैं, आप बिना कुछ भी बहाना दे रहे हैं। अरे अच्छा ठीक है मैं आता हूँ, अरे लेकिन मुझे इंजेक्शन से डर लग रहा है। आप चेकअप कीजिए डॉक्टर ने जी। हाँ ये हुई ना बात, अच्छा ठीक है सिद्धार्थ अब तुम पीछे मुड़ जाओ, मुझे चेकअप करने दो। रुकिए डॉक्टर ने जी मैं आपकी मदद करती हूँ। अरे अरे ये क्या, लगता है मुझे यहाँ से जाना होगा, चलो मैं यहाँ से जाती हूँ। ये देखिए डॉक्टर ने जी आप चेकअप कर लीजिए जल्दी से। अरे ये क्या, ये तो बहुत ही बड़ा इन्फेक्शन है, और देखो तो इन्फेक्शन काफी हद तक बढ़ गया है। अरे सिद्धार्थ तुम्हें तो बहुत ही दर्द हो रहा होगा। अरे हाँ डॉक्टर ने जी, अब मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, असहनीय है। अरे हाँ मैं समझ सकती हूँ, लेकिन ये ऐसे ठीक नहीं होगा, मुझे तुम्हें इंजेक्शन लगाना होगा सिद्धार्थ। अरे क्या इंजेक्शन, अरे अरे डॉक्टर ने जी ऐसा मत करना, मैं ठीक हो जाऊंगा, लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे इतने बड़े होकर भी इंजेक्शन से डर लगता है, मैंने तो पहली बार ऐसा आदमी देखा है। अरे ये क्या, नर्स तो मेरा मजाक उड़ा रही है, अरे मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे हाँ हाँ डॉक्टर ने जी लगा दीजिए। रुकिए सिद्धार्थ जी मैं आपका हाथ पकड़ लेती हूँ, आपको फिर दर्द नहीं होगा। अरे हाँ पिंकी जी मेरा हाथ मत छोड़ना, मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। हे लगाओ लगाओ पापा को इंजेक्शन लगाओ। अरे देखो तो मुन्ना कैसे खुश हो रहा है। रुक जाओ सिद्धार्थ मैं अभी इंजेक्शन लगाती हूँ, तुम्हें बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा, एकदम चींटी के काटने का दर्द होगा। ये देखो मैंने तुम्हें इंजेक्शन लगा दिया है। अरे अरे डॉक्टर ने जी बस बस हो गया हो गया। अरे वाह सिद्धार्थ जी आपने तो इंजेक्शन लगा लिया ये। और यहाँ पर सिद्धार्थ का इन्फेक्शन ठीक होने लगता है, एक एक करके सारे इन्फेक्शन गायब होने लगते हैं, और यहाँ पर सिद्धार्थ बिल्कुल ठीक हो जाता है। अरे वाह सिद्धार्थ जी देखिए आप एकदम ठीक हो गए। ये पापा ठीक हो गए।